ये वीडियो डिसेबिलिटी स्टडीज और एंटी पोर्नोग्राफी फेमिनिज्म, इन दोनों के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको देता है। तो डिसेबिलिटी स्टडीज ये किसके नाम से जुड़ा हुआ है? रोजमेरी गार्लैंड थॉमस, रोजमेरी गार्लैंड थॉमस के नाम से जुड़ा हुआ है डिसेबिलिटी स्टडीज। इन्होंने एस्टेब्लिश किया है फेमिनिस्ट डिसेबिलिटी स्टडीज। ये कहती हैं कि डिजेबल्ड लोगों को अलग तरीके से क्यों देखते हो, जैसे ये कोई अलग ही है। हर इंसान 90 साल 95 साल में इंसान चांसेस आर कि वो डिजेबल्ड रहेगा, किसी न किसी तरीके से बॉडी जवाब देगी, और इसलिए आप डिजेबल्ड एक अलग सा ग्रुप क्यों बनाते हो? हर इंसान ही डिजेबिलिटी के रास्ते पे चल रहा है, वो कह रही है। फेमिनिज्म चैलेंजेस, चुनौती देती है इस विचार को, द बिलीफ दैट फीमेलनेस। फेमिनिज्म कहती है कि पुरुष प्रधान समाज क्या कहता है, औरत होना ही कमजोर है, मतलब कमजोरी है, आप औरत हो इसलिए आप कमजोर हो, पुरुष है स्ट्रांग। तो वो अबला वाला कॉन्सेप्ट औरत से जुड़ा हुआ है। फेमिनिज्म चैलेंजेस द बिलीफ, फेमिनिज्म इस बात को चुनौती देता है दैट फीमेलनेस, महिला होना ही, इज अ नेचुरल फॉर्म ऑफ फिजिकल एंड मेंटल डेफिशिएंसी। किसी न किसी तरीके से शरीर से भी कम हो और किसी न किसी तरीके से बुद्धि से भी कम हो, केवल फीमेल होना। ये फेमिनिज्म इस बात का विरोध करता है कि पुरुष ऐसा करते हैं तो हम इस बात का विरोध करते हैं। फेमिनिस्ट डिसेबिलिटी स्टडीज एक कदम आगे जाता है, आर्ग्यूज, ये तर्क देता है दैट डिसेबिलिटी इज अ कल्चरल इंटरप्रेटेशन। कल्चरल मतलब सोसाइटी, कल्चर, ये ऐसा हो गया है कि आपने एक डेफिनेशन बना दी, व्याख्या कर दी ऑफ ह्यूमन वेरिएशन। अलग अलग लोग अलग अलग तरह के होते हैं, अगर किसी में कुछ है किसी में कुछ है तो आपने तो उनकी एक कैटेगरी बना दी, रादर देन एन इनहेरेंट इनफीरियोरिटी। ऐसा नहीं है कि वो इनफीरियर है, वो एक वेरिएशन है, अलग है, परंतु इनफीरियर है, ये समाज का बनाया हुआ है कल्चरल थिंकिंग है ये। इन हर एसे, अब आपको ये नाम याद रखना पड़ेगा, इंटेग्रेटिंग डिसेबिलिटी ट्रांसफॉर्मिंग फेमिनिस्ट थ्योरी, इसमें दो चीजें हैं, इंटेग्रेटिंग और ट्रांसफॉर्मिंग। इंटेग्रेटिंग और ट्रांसफॉर्मिंग दो टर्म्स इसमें इम्पॉर्टेंट है। एक तो इंटेग्रेट करो, शामिल करो, और फिर थोड़ा उसमें परिवर्तन लाओ, ट्रांसफॉर्म करो, ये उनके एसे का नाम है। इस एसे में रोजमेरी गार्लैंड थॉमसन, थॉमसन है ये एक्चुअली, डिस्कसेस, थॉमस ना होकर ये थॉमसन है, डिस्कसेस फोर फंडामेंटल डोमेन्स, चार प्रमुख क्षेत्र ऑफ फेमिनिस्ट थ्योरी। कौन सा? एक तो आपको ये चारों याद रखना पड़ेगा। इस ऐसे में इन्होंने चार क्षेत्र फेमिनिज्म से जुड़ा हुआ, द बॉडी, रिप्रेजेंटेशन, महिलाओं को कैसे प्रदर्शित किया जाता है टेक्स्ट्स में, नॉवेल्स में, पेंटिंग्स में, आइडेंटिटी, पहचान, और एक्टिविज्म, जो आंदोलन। ये चार एरियाज हैं जिसमें फेमिनिज्म काम करता है।
रोजमेरी गार्लैंड थॉमसन इज अ स्कॉलर एंड थियोरिस्ट ऑफ डिजेबिलिटी स्टडीज। तो इन्हीं के नाम से प्रमुख रूप से डिजेबिलिटी स्टडीज जुड़ा हुआ है। डिजेबिलिटी स्टडीज एग्जामिन्स, इसमें क्या स्टडी किया जाता है? दी आइडेंटिटी डिजेबल्ड। आपने किसी को लेबल दिया डिजेबल्ड, तो आपकी क्या धारणा है उसके बारे में? फेमिनिज्म इस चीज को एग्जामिन करता है कि वुमन नाम का जो कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में आप लोगों की धारणा क्या है, समाज की धारणा क्या है, वुमन के बारे में धारणा क्या है। तो रोजमेरी गार्लैंड थॉमसन डिजेबल्ड जिसको कहते हैं, उसके बारे में आपकी धारणा क्या है, इसको स्टडी कर रही हैं। जस्ट एज फेमिनिस्ट स्टडीज विषय का नाम है, एग्जामिन करता है द आइडेंटिटी वुमन। वुमन नाम की जो पहचान है उसके पीछे धारणा क्या है। हर बुक, रोजमेरी गार्लैंड थॉमसन की किताब एक्स्ट्रॉर्डिनरी बॉडीज 1997 की किताब है, इज अ फाउंडिंग टेक्स्ट, बहुत महत्वपूर्ण किताब है इन द डिजेबिलिटी स्टडीज कैनन। कैनन मतलब जो लिस्ट ऑफ बुक्स महत्वपूर्ण मानी जाती है उसमें ये इंपॉर्टेंट है। द एसे लिंक्स टू नोशंस। इस एसे में दो आइडियाज को जोड़ा है, इंटेग्रेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, इन दो चीजों को जोड़ा है। फिर है रॉबर्ट मैक्रूअर, बॉर्न 1966, ये भी डिजेबिलिटी स्टडीज से जुड़े हैं, इज वन ऑफ द फाउंडिंग स्कॉलर्स ऑफ डिजेबिलिटी स्टडीज, ये भी एक महत्वपूर्ण स्कॉलर है। ही इज फेमस फॉर द क्रिप थ्योरी। क्रिप थ्योरी, क्रिपल, अपाहिज क्रिपल जो है ना, वहां से क्रिप थ्योरी नाम की इन्होंने थ्योरी बनाई। अमंग हिज वर्क्स इज, इनकी रचनाओं में है क्रिप थ्योरी, रॉबर्ट मैक्रूअर, कल्चरल साइंस ऑफ क्वीयरनेस एंड डिजेबिलिटी, उनकी किताब का नाम है, 2006 की किताब है। माइकल जेम्स हॉयल्स ओलिवर वॉज द फर्स्ट प्रोफेसर ऑफ डिजेबिलिटी स्टडीज। डिजेबिलिटी स्टडीज नाम का विषय और उस विषय को पढ़ाने वाले पहले प्रोफेसर थे माइकल जेम्स हॉयल्स ओलिवर, वॉज द फर्स्ट प्रोफेसर ऑफ डिजेबिलिटी स्टडीज इन द वर्ल्ड, दुनिया भर में ही पहले प्रोफेसर हैं डिजेबिलिटी स्टडीज के। ही डिजेबिलिटी स्टडीज के लिए आप खुद डिजेबल्ड हो ये जरूरी नहीं है, प्रोफेसर बने। ही बिकेम अ की एडवोकेट, उन्होंने पक्ष लिया ऑफ द सोशल मॉडल ऑफ डिजेबिलिटी। समाज में क्या मॉडल है, क्या धारणा है डिजेबिलिटी को लेकर, ये माइकल जेम्स हॉयल्स ओलिवर ने कॉइन किया है टर्म द सोशल मॉडल, ये याद रखो, सोशल मॉडल इनका टर्म है। ही ऑल्सो कॉइंड द टर्म इमैंसिपेटरी डिजेबिलिटी स्टडीज। इमैंसिपेटरी डिजेबिलिटी स्टडीज नाम का टर्म भी इनका है। द सोशल मॉडल इज द आइडिया, सोशल मॉडल में ये बात है, दैट मच ऑफ द इनकन्वीनियंस, अपाहिज या डिजेबल्ड व्यक्ति के साथ रहने में जो असुविधा है वो उस डिजेबल्ड व्यक्ति की वजह से नहीं है, आसपास के लोग जो मैनेज नहीं कर पा रहे उनकी वजह से प्रॉब्लम है।
मच ऑफ द इनकन्वीनियंस, असुविधा जो है, ऑफ लिविंग विथ अ डिसेबिलिटी इज नॉट एन इनहेरेंट फीचर ऑफ डिसेबिलिटी. डिसेबिलिटी में अपने आप में कुछ नहीं है, रादर बल्कि ये समाज का फेलियर है. इट इज अ फेलियर ऑफ सोसाइटी कि वे एडजस्ट नहीं कर पा रहे टू अडैप्ट टू द नीड्स ऑफ डिजेबल्ड पीपल. तो डिजेबल्ड पीपल की जो जरूरतें हैं उनके साथ वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे. देखिए, पुरुष भी हो सकते हैं फेमिनिस्ट स्टडीज में, ऐसी कोई बात नहीं है. अदर थियोरिस्ट्स ऑफ डिजेबिलिटी स्टडीज आर निर्मला एरवेल्स, इंडिया की हैं, दक्षिण भारत के स्टेला मैरीज कॉलेज की पढ़ी हुई हैं, वहीं पे पढ़ाया भी है, सिमी लिंटन एटसेट्रा. तो ये तो रहा फेमिनिस्ट डिजेबिलिटी स्टडीज के बारे में. अब हम चलते हैं एंटी पोर्नोग्राफी फेमिनिज्म, अश्लील चित्रण महिलाओं के शरीर का, इसके खिलाफ जो आंदोलन रहा फेमिनिज्म के अंदर. एंटी पोर्नोग्राफी, पॉर्न अश्लील, ये जो पिक्चर्स वगैरह हैं, फेमिनिज्म फोटोग्राफ्स सारी चीजें. मेजर ओपोनेंट्स ऑफ पोर्नोग्राफी, ये पोर्नोग्राफी ऐसी अश्लील चीजों को देखना, इसका मजा लेना, इसकी खिलाफत करने वाले मेन लोग थे एंड्रिया ड्वॉर्किन. आपने ये सारे नाम पढ़ रखे हैं, आप लिस्ट खोल के देखो जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वेव फेमिनिस्ट्स हैं. कैथरीन मैककिनन, रॉबिन मॉर्गन, डायना रसेल, गेल डाइन्स, रॉबर्ट जेंसन, एलिस श्वार्ज़र, ये सारे, इन सारों ने अपोज किया है पोर्नोग्राफी का, अश्लील चित्रण महिलाओं के शरीर वगैरह का और उसका मजा लेना. मैककिनन एंड ड्वॉर्किन डिफाइंड पोर्नोग्राफी, उन्होंने व्याख्या करी पोर्नोग्राफी की किस तरीके से, एज द ग्राफिक सेक्सुअली एक्सप्लिसिट सबॉर्डिनेशन ऑफ विमेन थ्रू पिक्चर्स ऑफ वर्ड्स, औरत को नीचा दिखाना चित्रों के माध्यम से, ग्राफिक सबॉर्डिनेशन, नीचा दिखाना औरतों को थ्रू पिक्चर्स और वर्ड्स, शब्दों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से. ये मैककिनन एंड ड्वॉर्किन की डेफिनेशन है पोर्नोग्राफी की, आपको याद होना चाहिए. रॉबिन मॉर्गन ने कहा, बहुत याद रखिए इसको, पोर्नोग्राफी इज द थ्योरी एंड रेप इज द प्रैक्टिस, ये रॉबिन मॉर्गन ने कहा. अब ये एंटी पोर्नोग्राफी फेमिनिज्म के टेक्स्ट्स में है, देखिए कौन से टेक्स्ट्स, पोर्नोग्राफी, मेन पोजेसिंग विमेन, जो कि एंड्रिया ड्वॉर्किन ने 1981 में लिखा था. फिर है फेमिनिज्म अनमॉडिफाइड, 1987 का टेक्स्ट है, बाय कैथरीन मैककिनन, ये लॉ की प्रोफेसर रही हैं कैथरीन मैककिनन. सिस्टरहुड इज पावरफुल किताब का नाम है, 1970 की किताब है, रॉबिन मॉर्गन ने लिखा है. दीज थ्री, ये जो तीन महिलाएं हैं, एंड्रिया ड्वॉर्किन, कैथरीन मैककिनन और रॉबिन मॉर्गन, आर रेडिकल फेमिनिस्ट्स सेकेंड वेव. गेल डाइन्स इज ऑल्सो अ रेडिकल फेमिनिस्ट. अब एंटी पॉर्न फेमिनिज्म में रॉबर्ट जेंसन, पुरुष का नाम है, इज एन ऑथर अकेडमिक, राइटर भी है, प्रोफेसर भी है, अकेडमिक. ही विजिटेड मुंबई, पुणे एंड बेंगलुरु. वन ऑफ हिज सेमिनल बुक्स इज
इनकी एक इम्पॉर्टेंट किताब है गेटिंग ऑफ, चलो हटो, पोर्नोग्राफी एंड द एंड ऑफ मैस्कुलिनिटी। बुक का नाम है ही हैज स्पोकन अबाउट द नीड टू डू अवे विथ पोर्नोग्राफी, की पोर्नोग्राफी को तो हमेशा के लिए हटाई देना चाहिए। एलिस श्वार्ट्जर नाम जो आया, शी वॉज द फाउंडर, इन्होंने शुरू किया और संपादक भी थी, सॉरी पब्लिशर भी थी, ऑफ द जर्मन फेमिनिस्ट जर्नल एमा। ये याद रखिए, जर्मन फेमिनिस्ट जर्नल है, पत्रिका है जिसका नाम है एमा, और उसकी ये फर्स्ट फाउंडर पब्लिशर रही एलिस श्वार्ट्जर।